खुशी हो रही है, खुशी में बहुत भावुक हूँ मैं। काफी खुशी हो रही है जी, बहुत खुशी हो रही है। लेकिन स्कूल करने के बाद सुबह में 9 से 4 की ड्यूटी के बाद मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो सेल्फ स्टडी से की है और आज मैं इस मुकाम पे पहुंची। कम से कम नहीं तो 10 घंटा कम नहीं पढ़ती थी, ड्यूटी करके आती थी उसके बाद अपने पढ़ाई में लग जाती थी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सीरीज, मेरा नाम अभिषेक है। बीपीएससी परीक्षा में संघर्षों की तमाम कहानियां हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, किस तरीके से संघर्ष किया है और मुकाम हासिल किया है। घड़ी मैकेनिक की बेटी ने भी मुकाम हासिल किया है, काफ़ी संघर्ष किया इसके बावजूद मुकाम हासिल किया है। बिटिया तो अब अफसर बनेगी, क्या कहेंगे आप? तो घड़ी बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत भावुक हूँ। क्या हुआ? खुशी हो रही है, खुशी में बहुत भावुक हूँ मैं। काफ़ी खुशी हो रही है जी, बहुत खुशी हो रही है, सबको पूरे परिवार में खुशी है। परिवार में खुशी जी जी, खुशी के आंसू बह रहे हैं जी, खुशी के आंसू बह रहे हैं। देखिए, पिता के खुशी के आंसू बह रहे हैं क्योंकि घड़ी मैकेनिक की बेटी अगर अफसर बन जाएगी, किस इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कैसे उसको तैयारी कराए थे, क्या बताइए? बस मैंने कुछ नहीं, मैं खुद नॉन मैट्रिक हूँ, सारी तैयारी बस हमारे बच्चे का मेहनत है बस। जी, कैसे पढ़ती थी वो, क्या देखती थी? पढ़ने में तो मैं यहीं से मुजफ्फरपुर से पढ़ाई की है, यहीं भगवानपुर उच्च विद्यालय से मैट्रिक पास की है, LPSHI से इंटर पास की है और लोहिया कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और इग्नू से PG किया है और वहीं पर 2013 से ही वो सर्विस में है। इंटर में थी तभी उसका TET निकाल के उस सर्विस में आ गई थी। उस समय से अभी तक मतलब ये लॉकडाउन के कारण जो है घर में बैठे बैठे तैयारी करी और उसका देखिए पहला बार तो फेस नहीं हुआ। हाँ ये सेल्फ स्टडी किया है उसके। कहा जाता है कि दिल्ली पटना या बड़े शहर ही जाते हैं महानगरों में पढ़ाई करने के लिए, लेकिन मुजफ्फरपुर में रोज अप डाउन करती है यहाँ से, ट्रेन से यहाँ से जाती है दिघवारा, रोज शाम को आती है और यहाँ रात भर 12 बजे 1 बजे रात तक ले पढ़ना लिखना, फिर सुबह में हम 6-7 बजे सुबह में स्टेशन पर जाके ट्रेन पकड़ा देते हैं, फिर शाम को जाते हैं लाने के लिए। यहाँ तो खूब दे रहे हैं बहुत आदमी, बहुत बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हमारे गांव में भी सब खुश है बहुत, गांव में भी जी। तो गांव का नाम भी रोशन किया है और काफ़ी खुशी है। हम इनके घर पर दिखाते हैं, घर की तस्वीर क्या है और घर में कैसा माहौल है ये भी हम आपको दिखाते हैं। तो हम उनके घर पर आ गए हैं, देख सकते हैं घर पर परिवार में किस तरीके का माहौल है। बेटी से बात कर रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है? बस वही समाचार ले रहे हैं, क्या बधाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अभी कोचिंग से आई है, स्कूल पहुँच चुकी है, वहाँ पटना से कोचिंग होके और स्कूल पहुँच। क्या कहेंगी, क्या क्या बोला, कैसे तैयारी की थी, कैसे पास हुई? सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कैसे तैयारी की, कैसे पास हुई? सर मेरी तैयारी कोरोना काल में शुरू हुई थी, मेरा विद्यालय बंद था कोरोना काल में और उसी दौरान मेरे मन में ये हुआ कि इस समय का सदुपयोग किया जाए, तो मैंने उसी समय सेल्फ स्टडी स्टार्ट की थी और फिर थोड़ा बहुत गाइडेंस के लिए मैंने पटना के कोचिंग संस्थान से भी संपर्क किया था। चूंकि मैं फुल टाइम जॉब में शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ, इसलिए मैं अपना पूरा समय इस तैयारी को नहीं दे पाती थी। लेकिन स्कूल करने के बाद सुबह में 9 से 4 की ड्यूटी के बाद मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो सेल्फ स्टडी से की है और आज मैं इस मुकाम पे पहुंची। कितनी खुशी हो रही है, पापा तो घड़ी मैकेनिक हैं लेकिन इसके बावजूद काफी संघर्ष करना पड़ा, अब सफलता पाई है। ऑब्वियसली बात है सर, मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो काफी अच्छी नहीं थी, लेकिन कड़ी मेहनत और मेरे माता पिता का विश्वास और मुझे खुद पे भी भरोसा था सर, मुझे लगता था कि मैं कर सकती हूँ। काफी कम संसाधनों के बावजूद भी मुझे लगता था कि मैं अपनी मेहनत के दम पे कुछ भी कर सकती हूँ। जब बहुत लोग कहते हैं कि मतलब जो छोटे मतलब गरीब तबके के लोग की शिक्षक बन गए, हो गया बस, आगे नहीं करना, जैसे आपने BPSC की तैयारी की, BPSC में मुकाम हासिल किया शिक्षक होने के बावजूद, आप भी चाहती तो शिक्षक ही रह जाती और मुकाम हासिल नहीं कर पाती, क्या कहेंगे वैसे लोगों को? सर इस मामले में मेरा ये कहना है कि मेरे जीवन में कभी भी मेरा ये नहीं था कि मैं एक शिक्षक के रूप में ही कार्यरत रह पाऊं और एक मानव होने के नाते अपने विकास का हमें अधिकार है और मैं शुरू से ही पढ़ाई के प्रति काफी जागरूक रही हूँ बचपन से ही और यही वजह है सर कि मुझे लगता था कि मैं शिक्षक के पद पर रहते हुए भी आगे बढ़ सकती हूँ, मुझमें इतना हौसला है, तो इसलिए सर मैंने
मैं शिक्षक रहते हुए बहुत सारे एग्जाम दिए। मैं सर नीट का एग्जाम भी क्लियर कर चुकी हूँ 3 टाइम। तो मेरा सपना है सर कि मैं समाज की सेवा प्रत्यक्ष रूप से करूँ सर, इस वजह से मैंने इस प्रोफेशन को चुना और अपनी कड़ी मेहनत की वजह से सर मैं। पापा से बात करिए, हम माँ से बात करते हैं, क्या कितनी खुशी हो रही है बेटी? बहुत खुशी हो रही है मुझे, बहुत खुशी हो रही है। मेरा कितना देर पढ़ती थी, कैसे तैयारी करती थी? पढ़ती बहुत समय देती थी पढ़ने के लिए, उसको पढ़ाई के लिए समय बहुत देते थे, लेकिन घर गृहस्थी वाला जो भी काम है मैं संभालती थी, उसको पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए जी पढ़ने के लिए उसको पूरा मैं करती। कितना देर पढ़ती? कम से कम नहीं तो 10 घंटा कम नहीं पढ़ती थी, ड्यूटी करके आती थी उसके अपने पढ़ाई में लग जाती थी। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी मुझे हो रही है जी। मैं सोचे कि मैं नहीं पढ़ी हूँ, फिर भी सोचे कि मैं अपना बच्चा जो भी हो, लड़का हो या लड़की हो, उसको मैं अच्छे मुकाम पर लाना चाहती थी। क्या कहोगी दीदी ने तो सफलता पा ली? हाँ, उम्मीद था, विश्वास था कि ऐसा ही होगा, तो आज वही देखने को भी मिल रहा है। अब तो आप लोग को भी सफलता पानी है। हाँ हाँ। क्या जी, अब कंपटीशन बढ़ गया घर में ही, अब उनको देख के हम लोग के ऊपर भी प्रेशर। आप देख सकते हैं पिता हैं और माँ हैं और भाई बहन हैं, काफ़ी खुशी का माहौल है। आप देख सकते हैं किस तरीके से उसने सफलता पाई है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा लेकिन आखिरकार सफलता मिल ही गई। तो बन रही है लाइव सिटीज़ के साथ।